Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मामास मैजिकल रेसिपीज। आई एम बैक अगेन विद अनदर सुपर इजी एंड सुपर यम्मी रेसिपी। आज मैं सबके लिए लेके आई हूँ बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी फेवरेट पास्ता रेसिपी, बट देसी स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो 2 to 3 क्लव एंड एक ग्रीन इलायची डाल के फ्यू सेकंड्स के लिए इसको सॉटे कर लें। यहाँ पे अब मैंने ऐड किया है 2 मीडियम साइज अनियन फाइनली चॉप, और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बच्चों को जब आप ये रेसिपी टिफिन में देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद से खाएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। अभी इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट का जब तक कच्चा स्मेल नहीं जाता तब तक आपको इसे अच्छे से भूनना है। हमारी सुपर इजी एंड सुपर यम्मी रेसिपी देखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी मैं डाल रही हूँ 3 ग्रीन चिलीज। मैंने इसको रफली चॉप किया हुआ है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे बस थोड़ा सा। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज टोमेटोज, क्योंकि क्विक मिक्स। अभी जब ये थोड़ा सा भून चुका है अभी मैं ऐड कर रही हूँ मसाला। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा टर्मरिक अबाउट 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और अबाउट 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। रेड चिली पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है, इसका जूसेस निकलने लगे हैं। इस स्टेज पर मैंने बस थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड किया है और थोड़ा सा इस मसाले को अच्छे से पकने के लिए रख दूंगी फॉर अबाउट नॉट मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट विल बी मोर देन एनफ। देखिए आफ्टर 1 मिनट यू ऑलरेडी हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पर मैं ऐड करी सिर्फ स्प्रिंग अनियन। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो अवेलेबल था वो मैंने डाला है। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद उसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, हम तुरंत ही डालेंगे बॉइल्ड पास्ता। यहाँ पे मैंने लिया है अबाउट 1.5 कप ऑफ पास्ता। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी टू एडजस्ट द टेस्ट। फाइनली अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। Now we'll give it a good mix. मिक्स करने के बाद मैं इसको अबाउट 1 to 2 मिनट्स मोर इसको कुक करूँगी। इस स्टेज पे अगर आपका पास्ता थोड़ा सा कच्चा भी रह गया है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको प्रॉपरली कुक होने तक लो फ्लेम पे रख दें। जिस पानी में आपने पास्ता को बॉईल किया है प्रेफरेबली आप वही वाला पानी थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल करके उसको कुक कर लें। बस आज की हमारी सुपर इजी एंड सुपर यम्मी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आप ये रेसिपी अपने किड्स को देंगे लंच में तो जस्ट लाइक माय किड्स, आपके किड्स भी अपना लंच बॉक्स पूरा का पूरा फिनिश कर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू ऑल अगेन विद अनदर सुपर इजी एंड सुपर यम्मी रेसिपी। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सुपर इजी एंड सुपर यम्मी रेसिपीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।